हरियाणा चुनावों पर हम आपको दिखा रहे हैं हमारी खास कवरेज और हमारे संवाददाता नीरज गुप्ता बता रहे हैं कि प्रदेश में कांग्रेस की हालत क्या। उन्होंने बात की कांग्रेसी नेता अशोक तंवर से। हरियाणा में चुनावी पारा अपने उफान पर है और इस मसले पर बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी की संभावनाएं क्या हैं, इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और सिरसा से पूर्व सांसद अशोक तंवर मौजूद हैं। अशोक जी, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का बोझ बहुत होता है, आपको लगता है कांग्रेस पार्टी संभालेगी, हैट्रिक लगाएगी? देखिए, जहाँ आप इसको एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, मैं मानता हूँ कि 10 साल की उपलब्धियों का भी हमारा एक बहुत बड़ा अपने आप में रिकॉर्ड है। आज हरियाणा को शिखर पर कांग्रेस पार्टी और सोनिया जी, राहुल जी के आशीर्वाद से यूपीए की सरकार के माध्यम से हम लेकर के गए। यहाँ का किसान, मजदूर, यहाँ का गांव, शहर, व्यापारी, लेकिन आपकी विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि विकास हुआ नहीं, सिर्फ रोहतक का विकास हुआ। देखिए, मैं समझता हूँ कि स्वतः जो लोग जो बड़े शहरों के नजदीक इलाके हैं, वहाँ चाहे पंचकुला हो, चाहे मुंबई हो, चाहे चेन्नई, कहीं भी पूरे देश में और दुनिया में बात करें, वहाँ स्वाभाविक है। लेकिन पूरे अगर हरियाणा के हम आंकड़े उठा करके देखें, 8 से 10, 10, 15, 15 गुना एक एक जिले में और एक एक विधानसभा क्षेत्र को जब हम आंकते हैं, उसमें बजट में वृद्धि दिखती है। 2300 करोड़ से लेकर के आज हमारा 32,000 करोड़ रुपए का बजट है। तो ये सारी चीजें इस बात की तरफ संकेत, लेकिन लोकसभा इलेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं किया। महज 4 महीने पहले लोकसभा इलेक्शन हुए, लगभग कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ। लोकसभा में रिफ्लेक्ट नहीं किया, लेकिन लोकसभा के तुरंत बाद जो जितने भी उपचुनाव हुए हैं, उसमें बहुत क्लियर रिफ्लेक्शन है कि देश की जनता को एक बार गुमराह किया जा सकता है, झूठ बोल करके, बड़े बड़े सपने दिखा करके भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं ने वोट लेने का काम किया, लेकिन आज कहाँ है। आखिरी सवाल है, आपको कितनी सीटों का भरोसा है? हमें पूरी उम्मीद है कि प्रदेश की जनता, जिस तरीके से उन्होंने एक बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, इनेलो को भी प्रदेश में मौका दिया, और जो उन्होंने वायदे किए और वायदा खिलाफी आज जो देखने को मिलती है, आज महंगाई लगातार बढ़ी है, चीन और पाकिस्तान की तरफ से लगातार, कितनी सीटों का भरोसा है? तो मुझे लगता है कि हम 2/3 बहुमत के साथ तीसरी बार कांग्रेस की सरकार।